अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाएं, बिल्कुल मुफ्त सब्सक्राइब करने का पैसा बिल्कुल नहीं लगता है और अपने बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाएं। और वो जो घंटा वाला बटन दिख रहा है उसको भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी गाड़ चाली के, और हमारी वीडियो आप सुर्ती खाते खाते देख सकते हैं। देखते हैं कोई सबूत वबूत मिलेगा कि नहीं। वो तो उन दोनों अफसरों के बारे में मालूम है जो अगले बार रहे, जो है ये कसम रहे बड़े अकड़ू दोनों रहे, एक नंबर क्या करूँ। हाँ हम गए थे बुलाने, कहा था सर जो अब हम कसवा किए हैं उसको फाइनल करना है, हमारे साथ चलिए। आपसे नहीं बताए थे, वह गलती हो गई। अरे तो हमसे पूछ के जाना चाहिए था, उन लोग जब घूस लेने पे नहीं आते तो ऐसे बुलाने पे कहाँ आएंगे। अरे हमको तो लगता है कि इस केस को हमको ही फाइनल करना पड़ेगा, फाइनल करूँगा भी, इसको मान कर रहिए कि फाइनल करूँगा भी। हाँ हम भले से बिहारी हूँ, हमारा गांव अलग है, हमको नॉलेज नहीं उतना है, मगर ऐसा छोटा मोटा केस तो हल ही कर सकता हूँ, तुम्हें बता दीजिए चैतू सर। हाँ चलिए आगे चलते हैं, कुछ जो है छानबीन करेंगे, कुछ मिलेगा उसके बाद उसके मदद से इसको आप मान लीजिए। हाँ ये क्या, ये तो तू रुक, इस पे तासील का पैर लगता है पड़ा, क्योंकि इधर का छिलका जो है उड़ गया। मेरे को लगता है तातिल जो है ऐसा ही भागता हुआ। हाँ 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 बिल्कुल सही, इधर ही से भागता हुआ गया है, इससे पैर पड़ा है तो छिलका इसका सब निकल गया। ओह माय गॉड सर वहां पे कुछ है। हाँ चल को देखते हैं अभी, देखिए जरा क्या है। अरे सर इसको क्या बोलता सर, अरे चपलिए तो है मर्दे। हाँ वही 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 चपलिए, चपलिए मिली है सर, चपलिए मिली है। इसका मतलब कि कातिल यही कहीं पे था, और ससुरा जैसे उसको भनक लगी है कि सीआईडी वाले पहुंच रहे हैं और यहाँ से पतरी गली से निकल लिया। पतरी गली होगी यहाँ पे ना। हाँ है, है सर। सब तो चक्री लग रही है। हाँ हाँ एक पतरी है उधर, पतरी एक गली है, वहां से निकल लिया होगा। हाँ इसको तो मेरे को लगता है यहाँ की झाड़ी भी लगता है तेजी से गया सर, यहाँ से देखिए सर, देखिए सब मुड़ी हुई है एकदम। अरे इसकी पत्ती भी सब उड़ गई है, ऐसा लगता है जैसे कुकुर उकुर नोच लिया है सब पत्तिया, बहुत सी जो है जबरदस्त भगाई की है उसने। मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है सर कि यहाँ पे आके वो गिरा है, उसका चप्पल यहाँ पे तभी मिला था हम लोग। चप्पल कैसे मिला था? ऐसे था सर, ऐसे था, इसका मतलब तरफ भाग के गया इधर से निकला है चप्पल छूटा। साला कितना अमीर लग रहा है, 50 रुपए का चप्पल भी छोड़ के भाग गया। बताओ उसके माँ बाप पैसे देते हो, मेरे को लगता है वो साला कमा लेता होगा उतना। हाँ इसीलिए साला 50 रुपए की चप्पल भी छोड़ के चला गया। चप्पल के हिसाब से लगता है ये काफी दौड़ भाग करने वाला आदमी है, देखिए चप्पल बहुत घिस गया था। देखिए कितना एमएम बचा है, साला बहुत चालू आदमी लगता है, मतलब चालू ऐसा नहीं, साला चालू आदमी, गाड़ी की तरह चालू आदमी। ये जो सबूत मिला इसको तो सड़ूखे के पास भेजना ही नहीं चाहिए। यस सर, क्योंकि हमको लगता है ससुरा आजकल वो भी गांड चाली कर रहा है, वो दोनों अफसरन के कहे मुताबिक साला रिपोर्टिया सब गलत देता है। देखे सर ये जंगल बहुत डेंजर है, यहाँ पर संभाल के चलिए। नहीं तो कातिल जो है एक हथियार हमको दे के गया है, अगर कोई भी जानवर या कातिल मिला तो यही से ठोकेंगे हम। नहीं सर मैं इसको रख लेता हूँ, थक गए होंगे काफी समय। हाँ नहीं बहुत समय से हम जो है सबूत को ढूंढ रहे हैं, क्या करें थकना पड़ता है, अपने सब अफसर जो है साले निकम्मे निकल गए हैं ना, सारे जंगल तो यहाँ पे खत्म लग रहा है। हाँ सर यहाँ रोड आ गया सर। हाँ तो अब चलते हैं आगे रोड पे, जो है ढाबा वीबा कुछ मिलेगा, चाय पत्ती दुकान उकान कुछ वहाँ पे कुछ पूछताछ करेंगे, जरूर किसी ने देखा होगा। और मेरे को लगता है कि जब वो एक चप्पल छोड़ दिया तो एक चप्पल वो पहना होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में जब कोई इंसान भागता है एक छूट गया तो दूसरा नहीं निकाल सकता। बिल्कुल नहीं निकाल बिल्कुल, सकता बिल्कुल सर। हाँ तो वो एक चप्पल पहन के भागा होगा, चप्पल पे सवारी करके भागा होगा। हाँ बिल्कुल, वो जब मिलेगा तो किसी ने उसको देखा होगा तो बताएंगे, जरूर बताएंगे। यस सर, क्योंकि बहुत ठोस सबूत है कि एक चप्पल पहन के कोई भागा, जाहिर सी बात है कोई देखा, नजर तो वही पे पड़ती है ना। आजकल के लोग सिर्फ कमियां ढूंढने में लगते हैं, इसी से केस में हमको भी सहायता मिल जाती है। तो चलते हैं उसकी छानबीन करते हैं, अभी उसको पाएंगे तो हम तो पहले जो है बगैर पूछे पछोरे और कानपट्टी नीचे 4 बजा देंगे। हाँ सर इतना दौड़ाया है, बैठे बैठाए जब इतना पैसा मिलता था, दौड़ने से भी पैसा मिल, कौन भरोसा इसका है। हाँ चलिए सर चलिए, अभी बताइए चैतू चौधरी। हाँ चलिए सर, हाँ चलिए रोड पे चलते हैं, वहाँ पे उसको
कुछ भी अगर कुछ भी करके हमको कुछ भी करना पड़े मगर हमको कातिल को पकड़ना है। हाँ यस सर, बस और कुछ नहीं जानते हम। हाँ यस सर, हाँ चलिए चलिए चलिए। सर वो देखिए वहाँ पर कोई छुप के बैठा हुआ है सर। अरे लगता है कातिल यही है। तू यहाँ अकेले क्या कर रहा था? बाथरूम करने आया था। इतना भगाएगा तू? कातिल है तू की बाथरूम करने क्या करने आता? सही से बता एकदम। बाथरूम करने आया था। सही से बता, तेरे पास डब्बा नहीं है? डब्बा नहीं है तो बाथरूम कैसे करेगा? वही धो लिया। हकीकत बता रहा ना, बाथरूम करने आया था। किसी को ऐसा पैदल मतलब भागते हुए देखा है? नहीं देखा है। एक एक पैर पे चप्पल पहना हुआ था। नहीं देखा है ना? झूठ सही बोल रहा है ना? झूठ तो बोल रहा है ना? हाँ तो इतना भगाया हमको। अच्छा चल, दो बार कान पकड़ के उठ बैठ, उसके बाद चला जा अपना रास्ता। काफी डर गया लगता है। हमको तो पूरा यकीन हो गया था कि कातिल यही है। इतने इत्मीनान से बैठा था कि लग ही नहीं रहा था कि ये कातिल नहीं। ससुराल निकला झाड़ा फिरने वाला, पूरी मेहनत डंड चली गई। कितनी देखिए सर, सब फूट उठ गया है। अरे वो सब छोड़िए, कितनी मेहनत से उसका घेराव किया हम लोगों ने। दो ही अफसर। अभी आज तो इतिहास पे नाम चढ़ जाता कि दो अफसर खाली। कहने का मतलब ये है कि दो अफसर एक मुजरिम को घेर के पकड़ लिए। यस सर बिल्कुल। तो चलिए आगे चल के कुछ जो है रोड आ गया सर, रोड आ गया। हाँ। पास ही हथियार जिससे मर्डर हुआ था। अरे वो सबूत जो हम जब उसकी घेराई कर रहे थे कातिल की, तो हम जब उसको पकड़ने के लिए भागे, ऐसा लग रहा था कि वो हमारी झोली से सरक रहा है कातिल। हाँ। तो हम सबूत सब वहीं पे छोड़ के कातिल पे पूरा ध्यान लगा के पीछे भागे, मगर वो निकल गया बाथरूम करने वाला। जाओ आप डंडा लेके आओ। यस सर। हम चल रहे हैं, आप आना। यस सर, यस सर। बिल्कुल, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, चल के पूछताछ करते हैं सर। आओ चलो इससे पूछताछ करते हैं। देखिए कोई मालूम है इसको कुछ? तू इधर कब से बैठा है सर? यहाँ पे हम तीनों छड़ी चरा रहे हैं। छगड़ी चरा रहा है? हाँ। इधर किसी को भी नंगे पांव भागते हुए देखा है? एक चप्पल पहन कर भागते हुए देखा है। वही नंगे पांव यहाँ पे किसी को एक पैर में चप्पल पहन के भागते हुए देखा आपने? एक चप्पल पहनते हुए भागते हुए गया इधर से कोई? अच्छा अच्छा ठीक जा। आपकी परमिशन देने के लिए थैंक यू। चलिए तो भाई तुमने आपने देखा है कि वो 2 मिनट पहले जा रहा था, और चचा भी यही बता रहे हैं कि वो 2 मिनट पहले गया था। चचा से वहाँ मिला था इसीलिए वो बता रहे हैं 2 मिनट 2 सेकंड पहले गया है, और आपसे मिला है तो आप बता रहे थे 2 मिनट 6 सेकंड कुछ भाई से बता रहे थे, 13 सेकंड बता रहे थे। अच्छा तो जो है ये तो बात क्लियर है कि कातिल यही यही और गवाह। और कुछ मार्क्स उसका जिगर किए थे कैसे भागा हुआ था? एक चप्पल पहना था, एक चप्पल नहीं पहना था, और मास्क पहना था। अच्छा ज्यादा मत मुश्किल है ना, डार देंगे मुँह में। लेके आया उधर से सब बहुत मुश्किल मार रहा है, यहाँ पे एक मर्डर हो गया है, इसको मुश्किल आने को आप ऑर्डर देते दो चार खींचू। आप जब खींचेंगे तो ये बचेगा? उम्मीद करते हैं नहीं बचेगा, हम लोगों को यहीं पे भीड़ बाजना पड़ेगा, इसीलिए बढ़िया है कि छोड़ दीजिए। जरा दिमाग को शांति करिए और जो है कानून के दायरे में। आप जो हमको ये इन्फॉर्मेशन दिए हैं इससे हम शायद कातिल को पकड़ सकते हैं। क्या कातिल को अभी हम लोग दौड़ते हुए जाएं तो क्या कातिल हम लोगों को मिल सकता है? मिल सकता है। हाँ तो आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। और अगर जो तो कहीं पर भी काम लगा, अगर कातिल हम लोगों को ना मिला तो अगली बार भी आपसे कुछ पूछताछ कर सकते हैं।
चैतू चौधरी, हमको लगता है ससुरा वही कातिल है। बार बार मुड़ मुड़ के देख, वही कातिल है, पक्का वही कातिल है। हम लोगों को देखकर भागा क्यों? अरे सर सब कुछ से कहा हो सर, मास्क पहना था तो क्यों है जिसका रहता है अभी? अच्छा अब मास्क इसका सर पे जो टोपा है उतारो। अरे क्या, अरे सर ये क्या कर रहे हो? ये सर नहीं, अरे इसका मास्क उतारो, मास्क। अरे सर तो हड्डी है, हड्डी से हड्डी, ये वाला मास्क बुड़बक, ये वाला। अबे क्या कर रहा है? ये वाला मास्क तू। अबे तुम लोग कहाँ बैठा है? तुम लोग गुंडागिरी जाने करते हो? सीडीआई। अरे सीडीआई नहीं, उसको बीरो में लेके सर। तो तुम ही हो जो मर्डर किया है? नहीं मैंने मर्डर नहीं किया। कैसा मर्डर? मर्डर कैसा? इसका मतलब तुम ही मर्डर किए हो जब पूछ रहे हो कि मर्डर कैसा। अभी तुमको मर्डर के बारे में नहीं मालूम है? जो गला कट जाता है, आदमी मर जाता है तो उसको बोलते हैं मर्डर हो गया। तो तुम्हारा एक पैर का चप्पल कहाँ गया? एक पैर का चप्पल उधर कहीं गुम हो गया। गुम हो गया? ऑफिसर चेक करो, ये वही कलर वही ब्रांड वही चप्पल। ये सेम चप्पल देखिए सर, देखिए सर सेम चप्पल, चप्पल को तो दिखाओ, जोड़ी मैच हो गई सर, सेम साइज सेम कलर सेम कर देगी एकदम, और घिसा भी उतना है। हाँ सर, इसका मतलब साला ये मैं मर्डर नहीं किया यार। तो तूने मर्डर नहीं किया? नहीं मैंने नहीं, तूने नहीं किया। तो ये मोबाइल मेरे फिंगरप्रिंट से खुलता है, तू खोल। खोल ये ससुरा कैसे मेरे मोबाइल से खुलेगा? क्या बोलते हैं हाथ से? तेरे हाथ से नहीं खुला? नहीं। इसका मतलब साले तू ही मर्डरर है। कैसे मर्डर हूँ? कैसे मर्डर? हमने जो हथियार मिला था ना, हथियार तुम्हारा फिंगरप्रिंट लिए थे और हमने एक मिनट, जो मोबाइल में इसका फिंगरप्रिंट आया है उसको अभी हम चेकअप करते हैं और इससे इसका फिंगरप्रिंट मिलता है, उसके बाद देखते हैं का नतीजा निकलता है। सर देखिए, हाँ एक मिनट, इसका तो इसमें कॉपी किया था ना? हाँ किया था। हाँ इसको साइड में रख देता। ओ माय गॉड, फिंगरप्रिंट मैच हो गया। इसका मतलब तू ही कातिल है। सर 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 झूठ बोला, अभी तो कान के नीचे खींचूंगा। बस अब इसको तो जो है कानून ही सजा देगी। अभी पहले इसे पूरा डिटेल में जानकारी तो ले ले। तो तूने मर्डर किस लिए किया? सर मैं आईपीएल की टीम खरीदने के लिए 700 रुपया रखा था। घर पे रखा था? घर पे रखा था और दरवाजा खुला करके चला गया था। किधर गया था? कॉलेज पढ़ने। अच्छा पढ़ने गया था? पढ़ने गया था। कौन चोरी किया था? उसी ने चोरी किया, इसलिए मैं खून किया उसका। अच्छा। और वही आसपास मर रहा था। अच्छा वही घूम रहा था तेरे घर के आसपास? हाँ आजू बाजू सुबह भी घूम रहा था, लेकिन मैं कॉलेज वैसे ही चला गया। अच्छा 700 रुपये के लिए मर्डर कर दिया तू? जी आईपीएल की टीम खरीदने के लिए मैंने पैसा रखा था। अच्छा आईपीएल की टीम खरीदता तू? और क्या, शकल से तो लगता नहीं है कि आईपीएल की टीम खरीदेगा तू। अरे आईपीएल का क्या, नेशनल खरीद सकता हूँ। अच्छा अच्छा नेशनल खरीद सकता जी। बेटा तेरे को तो फांसी ही होगी, अब जाके वहीं पे आईपीएल की टीम को खरीदना। मर्डर किया तूने? मर्डर किया, मामूली बात नहीं, मर्डर किया तूने, और वो भी 700 रुपये के लिए तूने मर्डर किया। जी सर मेरे 700 रुपये लौटा दे तो मैं नहीं करता। नहीं करता मर्डर? 700 रुपये लौटा दे तो नहीं करता? नहीं करता। तो कहीं पे कंप्लेन कर देता, मर्डर करने की क्या जरूरत है? चाहे तो सर इसको लेके जाइए और कहना काफी तगड़ी फांसी इसको दे साले को, ताकि शरीर साले की कांप जाए। यस सर। हां बिल्कुल, ताकि मर्डरर कभी पैदा होने की जरूरत न कर सके हमारे इस बीरू में। केस तो मर्डर का आना ही नहीं चाहिए।